अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत 1 जून को समाप्त हो जाएगी। ऐसे में सीएम को 2 जून को फिर से जेल जाना होगा, लेकिन दिल्ली के सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है जिससे केजरीवाल को 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है जिससे उनकी जमानत की अवधि और बढ़ सकती है। दरअसल कथित शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार हो चुके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर हैं। उनकी जमानत अवधि 1 जून को समाप्त हो रही है, ऐसे में उन्हें 2 जून को दोबारा जेल जाना पड़ेगा। इस बीच केजरीवाल ने अपनी जमानत अवधि 7 दिन बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें ये दावा किया गया है कि केजरीवाल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसके चलते उन्हें कई टेस्ट करवाने हैं। तो वही आप नेता आतिशी ने केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। आतिशी ने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था तो उनका 7 किलो वजन एकदम से घट गया था, उनका वो वजन अभी तक बढ़ा नहीं है। उनका ये वजन क्यों घटा है, डॉक्टरों को इसकी वजह अभी तक पता नहीं चली। उन्होंने कई टेस्ट कराए हैं जिनमें उनका कीटोन लेवल बहुत अधिक पाया गया है। वजन घटना, कीटोन का लेवल बढ़ जाना बहुत ही गंभीर बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये किडनी में गंभीर समस्या के लक्षण हो सकते हैं, यहाँ तक कि ये कैंसर के भी लक्षण हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टरों का मानना है कि केजरीवाल को अभी बहुत सारे टेस्ट कराने की जरूरत है, जिनमें पीईटी स्कैन और सीटी स्कैन सहित पूरे शरीर का टेस्ट कराने की जरूरत है। इसलिए केजरीवाल ने अपनी जमानत अवधि को 7 दिन आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी डाली है ताकि ये सारे टेस्ट हो सके। डीवी लाइव की रिपोर्ट।